Good morning, student. Today I am going to teach you word problem. Class 4. आज मैं आप लोगों को word problem बताने जा रही हूँ. ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज का word problem देखेंगे. मैंने यहाँ कुछ questions दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ क्वेश्चन है, नीलू जॉग्ड 4.35 किलोमीटर ऑन मंडे. दूसरा है, ऑन ट्यूजडे सी जॉग्ड 1.38 किलोमीटर मोर देन मंडे. What is the distance jogged by Nilu on Tuesday? Who was the total distance she jogged on the days? ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि नीलू जो है वो मंडे को जॉग कर रही है 4.35 किलोमीटर, और ट्यूजडे को बोल रहा है ऑन ट्यूजडे सी जॉग्ड 1.38 किलोमीटर मोर देन मंडे. ट्यूजडे को वो क्या कर रही है, मंडे से 1.38 किलोमीटर ज़्यादा कर रही है. ठीक है, तो पूछ रहा है कि मंडे को क्या होगा. तो हम लोग सबसे पहले मंडे का निकालेंगे, उसके बाद बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस दोनों डेज का क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग मंडे का निकालेंगे, उसके बाद दोनों दिन का निकालेंगे. नाउ क्वेश्चन है हमारा, नीलू जॉग्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू 4.35 किलोमीटर, सी जॉग्ड ऑन मोर देन मंडे इज इक्वल टू 1.38 किलोमीटर. अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा ट्यूजडे का निकल जाएगा. इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 5 3 13 का 3 कैरी 1, 3 और 3 6 7 कैरी 1, 4 और 1 5 और 4 और 1 5, ये हमारा हो जाएगा 5.73 किलोमीटर. ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस जॉग्ड बाय नीलू ऑन मंडे ट्यूसडे. ट्यूसडे को क्या निकल रहा है दोनों दिन मिला करके. ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं लिख, सॉरी यहाँ पे सिर्फ ट्यूसडे को बोला था क्या होगा, द डिस्टेंस जॉग्ड बाय नीलू ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को क्या आया इसका टोटल 5.73. अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5.73 ट्यूसडे को निकला. अब मेरा मंडे को क्या आया. ठीक है, तो मंडे को अब हम लोग इसको ऐड करेंगे. मंडे वाला, मंडे को हमारा क्या था 4.35. अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 का 0 कैरी 1, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, 9 और 1 10. ठीक है, 10.08 किलोमीटर. द टोटल डिस्टेंस सी जॉग्ड ऑन द बोथ द डेज क्या हो जाएगा, 10.08 किलोमीटर. ठीक है, ये हमारा निकल गया. अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं. हरी जम्प्ड 1.27 मीटर इन अ हाई जम्प, सुनील जंप 1.19 मीटर्स, हु जम्प्ड हायर बाय हाउ मच. यहाँ पूछ रहा है कि हरी जो है 1.27 मीटर हायर जंप कर रहा है और सुनील जो है 1.19 मीटर जंप कर रहा है, तो किसने ज़्यादा जंप किया. यहाँ पे साफ पता चल रहा है 1.27 है और यहाँ पे सुनील जो है 1.19 है, तो क्या हो जाएगा. हम लोग हायर निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, हरी जंप इज इक्वल टू 1.27 मीटर, सुनील जंप इज इक्वल टू -1.19 मीटर. अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीटर का मीटर लिख देंगे. 7 में से 9 नहीं जाता है, ये कैरी दिया 17 से 9 गया 8. ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 0.0 का 0 मीटर. हायर जंप इज इक्वल टू कौन हायर किया है, तो हरी, तो लिख देंगे हरी. ठीक है, हायर जंप इज इक्वल टू हरी, तो यहाँ हो जाएगा हरी हायर जम्प्ड. और इसका टोटल स्कोर क्या है, हरी हायर जम्प्ड 0.08 मीटर. ठीक है, ये हमारा हो गया ये. अब उसके बाद है ना क्वेश्चन 33 है, इन आर डिविंग कंपटीशन प्रमोद स्कोर्ड 44.56, 38.27, and 54.26. राजीव स्कोर्ड 52.26, 34.76 and 50.37. हु वॉन बाय हाउ मच पॉइंट. यहाँ बोल रहा है कि कंपटीशन हो रहा है डिविंग का, जिसमें प्रमोद का स्कोर है 44.56. तो तीनों को हम लोग एक जगह कर लेंगे, प्रमोद के कम स्कोर को एंड राजीव के स्कोर को हम लोग एक जगह कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन जो है हमारा वन है. ठीक है, कौन जो है हमारा जीता है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, प्रमोद स्कोर इज इक्वल टू 44.56, 38.27 and 54.26. हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ सिक्स है, सेवन है, सिक्स है, 18 और 19 का 9 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ये पॉइंट है, पॉइंट वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 19 का 9 कैरी 1, 5 और 2, 7 टू 9, 9 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, यहाँ हम लोग 0 डाल देंगे, पॉइंट 1, यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे, ठीक है। अब 4, 1, 5, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में ये सॉरी 5 और 1 5 5 और 8 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 का 7 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा बोरो, ठीक है कैरी। तो 4 और 1 5 5 और 3 8 8 और में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13। ये हमारा है प्रमोद का स्कोर 137.09 पॉइंट। अब है राजीव का स्कोर जिसमें 52.26 है, 34.76 है एंड 50.37। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, 667 12 और 6 तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19, 19 का 9 कैरी 1 सॉरी कैरी 1, 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पे ऐड हो ये यहाँ पे बैक कैरी आ जाएगा। अब क्या होगा 2 और 1 3, 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, अब हम लोग यहाँ 7 लिख लेंगे, ठीक है, और कैरी हमारा नहीं बचा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, 5 5 10 और 3 13, अब हम लोग यहाँ पे 13 लिख देंगे, ठीक है 13, एक मिनट 6 हाँ 137.39, और यहाँ पे है प्रमोद का स्कोर है 137.09, ठीक है। तो हमारा 137.09 कम है, 137.39 ज़्यादा है, तो राजीव का स्कोर ज़्यादा हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राजीव स्कोर, ठीक है, राजीव स्कोर इज इक्वल टू हो जाएगा 137.39, और किसने वन किया तो राजीव, राजीव यहाँ पूछ रहा था क्या हु वॉन, किसने जीता, तो हम लोग क्या लिखेंगे राजीव वॉन, राजीव वॉन, राजीव।